दो शख्स यहाँ ई रिक्शा चला रहे हैं, जिसमें आपको पंडाल से हॉस्पिटल तक, हॉस्पिटल से पंडाल तक ले जाने के लिए। ये ई रिक्शा में आप सब लोगों की सेवा भी कर रहे हैं और भविष्य में भी इनका मन है कि मैं ई रिक्शा चला के अपने परिवार का लालन पालन करूँगा। आप लोगों ने देखा भी होगा पिछले 5 दिन, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। महेश पाल इस संस्था के सबसे पहले दिव्यांग हैं और ये दोनों पैर इनके नहीं है। दोनों पैर लगने के बाद भी इन्होंने, पैर लगने के बाद फोटो स्टेट मशीन लगाई, तहसील में काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आया कि कहा कि मैं जीवन आशा में काम करना चाहता हूँ, जीवन आशा से मुझे अंग मिले, पैर मिले और मैं चाहता हूँ कि संस्था से जीवन भर जुड़ा रहूँ। तो ये भी ई रिक्शा चलाने का कार्य यहाँ पर करते हैं जीवन आशा में। महाराज जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ एवं यहाँ जो आए हुए भक्त लोगों के मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम धीरज कुमार, कानपुर, बिल्लौर कानपुर का रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ के बारे में पहले सुना तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अदर संस्थाओं में गया था तो वहाँ पे मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर मैंने यहाँ आने का विचार किया तो फिर मेरे मन में ये आया कि जैसे मेरे साथ हर एक जगह अदर संस्थाओं में हुआ है, ऐसा यहाँ भी होगा। फिर मैंने जब हॉस्पिटल का नाम सुना जीवन आशा, तो मेरे मन में फिर दोबारा एक वो उल्लास हुई कि चलो चलते हैं वहाँ पे देखते हैं। फिर यहाँ आए जब मैं, तो यहाँ पे जब मेरा पैर लगा तो अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं नॉर्मल मनुष्य की तरह मैं वर्क कर सकता हूँ। और यहाँ के कमेटीगढ़ और जो महाराज जी हैं इनकी अच्छाइयों के बारे में मैं ज़्यादा बयान नहीं कर सकता हूँ। यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ के भक्तों और लोगों के बारे में जैसे यहाँ सतयुग हो।